खुशी के साथ देखते रहिए खबर पर नजर और इंदौर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए। श्री हरिहर पार्श्वनाथ श्वेतंबर जैन मूर्ति पूजक श्री संघाई लिंक सिटी इंदौर परम पूज्य श्री अनिता गुणाजी महाराषाब। भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक बड़े धूमधाम से मनाया गया। भगवान की पालकी निकाली गई और हाईलिंक सिटी में गाजे बाजे के साथ लोगों ने स्वागत सत्कार किया। निकल गई पारसनाथ भगवान की पालकी का आचार्य भगवान ने बताया कि हमारे जीवन में आदमी के व्यवहार का कितना बड़ा फर्क होता है। अतिथियों का माला पहनकर स्वागत किया गया। संचालन शैनील जैन ने किया। आने वाली 18 तारीख को हाईलिंक सिटी में जैन अनीता आराधना भवन का शुभारम्भ होगा। उसके लिए लोगों ने बढ़ चढ़ कर बोली लेकर अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग किया। जन्म कल्याणक महोत्सव के पश्चात स्वामी वात्सल्य का लाभ लिया। लोगों ने खबर पर नजर। बताइए, आज जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया, बड़ी धूमधाम से मनाया गया, क्या कहेंगे? और आज विशेष रूप से महाराज साहब जी का आज यहाँ पदार्पण हुआ, जो इस मंदिर के निर्माण में आपका सबसे बड़ा अहम रोल रहा, क्या कहेंगे आप? हम रोल पर जो खड़े हैं, साथ में वीरेंद्र जी गुप्ता ने यहाँ पे जगह दी थी महाराज साहब को मंदिर बनाने के लिए, और उस जगह पे यहाँ पे मंदिर बना। और आज ये जब 7 घर थे और आज यहाँ पे 150 घर जिन लोगों के हैं, और अब उपासना की आवश्यकता है। करीब 100 लोग यहाँ पे रोज दर्शन पूजन के लिए आते हैं और आराधना करने के लिए एक उपासना की आवश्यकता है। तो महाराज साहब ने ये प्रेरणा करी है और यहाँ पे उपासना का निर्माण होगा। 18 तारीख को भूमि पूजन होगा। आपका परिचय दीजिए। पंडित पाल परिचय। धन्यवाद। देखा जाता है कि आपने एक धर्म में एक अपनी अलग ही यहाँ पे सेवा भाव दिखाया। आज महाराज साहब से ने भी आपसे कुछ आग्रह करा और आपने बिल्कुल निसंकोच होकर उस आग्रह को बिल्कुल स्वीकार किया है, क्या कहेंगे इस प्रकार की आप जन सेवा को लेकर और धार्मिक सेवा को लेकर? मैं सर्वप्रथम श्री अमित गुणा श्री महाराज साहब को नमन और प्रणाम करता हूँ। आपके प्रेरणा स्रोत से, आपके बताए मार्गदर्शन से ही ये मंदिर की जगह देने का हमारे मन में हाईलिंग ग्रुप के मन में विचार आया कि जैन समाज का बहुतुल्य मात्रा में अपनी कॉलोनी में प्लॉटिंग खरीदे हुए है, तो यहाँ जैन समाज का मंदिर होना चाहिए। तो महाराज साहब ने हमारे से आग्रह करा, तो उन्हीं के आग्रह और उन्हीं की कृपा से यह मंदिर का निर्माण हो सका। और महाराज साहब के और हमारे पालरेचा जी, बोथरा जी और आपकी पूरी श्री धरणीधरण पार्श्वनाथ जैन ट्रस्ट के द्वारा और संघ के द्वारा जो भी यहाँ पे मंदिर के निर्माण में जितनी सामग्री हो सकी है जुटी और मंदिर का निर्माण हुआ। आज हजारों लाखों जैन समाज के भक्तों द्वारा यह मंदिर और मूर्ति और दर्शन का लाभ लिया जाता है। और आज हम धन्य है कि हमारे बीच में अमित गुणा श्री महाराज श्री पधारी हुई है, जिनने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और पूरी मेहनत और पूरी लगन से यह मंदिर का निर्माण करवाया। हम साथ साथ उन्हें प्रणाम करते हैं और आगे भी हम के नाम से जो है आपके मार्गदर्शन पे कहीं पर भी किसी भी रूप से जो हमारे हाईलिंग ग्रुप के द्वारा स्वैच्छिक स्थितियां बनेगी उसमें हम आपके साथ में खड़े हैं
और आगे किसी मंदिर की आवश्यकता और जमीन या भूमि की आवश्यकता पड़ी तो हम देने के लिए तत्पर है। आपका परिचय दीजिए। वीरेंद्र गुप्ता, हाइलिंग ग्रुप। और ये कॉलोनी इनकी विचार पर बहुत सारी कॉलोनियां काटी इन्होंने और ये जगह जो जहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ है वो जगह इन्होंने ही दी है और ऐसे शुभ भाव से दी कि भगवान भी इतने प्रभावशाली है और ये भगवान की बहुत बहुत आशीर्वाद इनको मिले हुए हैं। आज 25 लगभग 25 कॉलोनी इन्होंने काट दी होगी और आज विशेष रूप से ये भगवान की कृपा विशेष रूप से रही। आज परमात्मा का जन्म कल्याणक है भैया, हम अपने बच्चे का जन्म कल्याणक अपने उसका बर्थडे मनाते हैं और बत्तियां बुझाते हैं और भगवान ने पूरे विश्व के लिए जगत के लिए कल्याण की भावना करी और वो परमात्मा का इतना अतिशय है कि जब भगवान का जन्म होता है तो करोड़ों देवों के इंद्रों के आसन चलित होता है, कंपित होते हैं और परमात्मा का जन्म महोत्सव मनाने के लिए वो स्वर्ग का सुख छोड़कर के आते हैं। हमारे यहाँ तो क्या, हम सोचते कहाँ से आते, कहाँ से, वो स्वर्ग के सुख को छोड़कर परमात्मा का कल्याणक मनाने के लिए आते हैं। तो वो परमात्मा का जन्म कल्याणक उसकी प्रतिकृति के रूप में हमारे पास न तो स्वर्ण का मेरु है न सोने चांदी का कोई साधन है लेकिन फिर भी भक्ति से जितना बन सके अनंत उपकार है परमात्मा का कि उनकी कृपा से पुण्य में हमारा कुछ सहयोग हो सकता है और पुण्य का प्रोडक्शन मात्र और मात्र परमात्मा की कृपा से होता है, धर्म की आराधना से होता है। ये हमको परमात्मा मिले हैं तो सुकृत में वपन होता है अन्यथा लेकर के होती है। यहाँ जितनी भी आराधना होती है, कई लोग दुनिया में व्रत करने का राइट नहीं है, पंडे को पुजारी को देकर के आ जाओ, यहाँ परमात्मा के नोय अंगन से जो फ्लूइड निकलता है वहाँ स्पर्श करने से हम पवित्र ऐसी ऊर्जा मिलती है। अभी कल मेरे को उस आचार्य भगवंत ने कहा था कि 10-20 के साल के बाद ये हाइलिंग सिटी इंदौर का हार्ट बनने वाला है, ये उनके तप सम्राट के शब्द है।